そうだね。बालाकोट से बाबूसर तक का इलाका एक जन्नत से कम नहीं। अनगिनत आबशारें, जीप ट्रैक, पैदल ट्रैक, जंगल, झीलें, मैडोज, सुभान अल्लाह। इस महंगाई के दौर में नेचर्स लवर के लिए यह इलाका बहुत अहम है, जहां वो कम बजट में कुदरत के हसीन नज़ारों से अपनी आवारागर्दी की तस्कीन कर सकते हैं। नारान से कुछ पहले बटल के मुकाम पर एक नाला है, जिसका पुल पिछले साल शराबी रेले में बह गया था। यह पुल अभी तक दोबारा तमीर नहीं किया गया। कारों वाले हजरात इस नाले को सुबह 10 बजे से पहले हर सूरत में क्रॉस कर लें, क्योंकि इसके बाद बर्फ़ पिघलने से पानी का फ्लो बढ़ जाता है और कारों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। आजकल जो टूरिस्ट हजरात नारान आना चाहते हैं, वो इस वीडियो में नारान से आने वाले पहले जो ग्लेशियर्स हैं उनमें से गुजरने वाली सड़क का मुशाहदा कर सकते हैं। इस वीडियो में बेहतरीन लोकेशन वाले और इकोनॉमिकल हट्स का भी जिक्र है जो नारान में मौजूद हैं।
بتاعنا. जंगल में गया साग के लिए और गुच्छियों की तलाश के लिए। हमारे इलाके में गुच्छी होती है, अक्सर बादल से निकलती है, बहुत महंगी बिकती है, तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये किलो बिकती है। वो गुच्छी की तलाश में मैं गया तो जंगल में जब जा रहा था, देखा वो जगह जगह मुझे एक दो गुच्छियाँ नजर आई। उसके बाद थोड़ा और आगे गया, दो गुच्छियाँ और नजर आई, वो मैंने उखाड़ी। उसके बाद मैंने देखा तो ऊपर पत्थर पर एक शेर बैठा है, यूं इस तरह वो मेरे को बड़े गौर से देख रहा है। मैंने भी इसको बड़े गौर से देखा है। यार चीते भाई, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई भाई, बस मैंने ऐसे दिल में कहा। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं है, आ जाओ, आइंदा के लिए नहीं आना। तो मैंने पीछे रिवर्स लगाया, ऐसे ऐसे उसकी तरफ देखा और पीछे पीछे जा रहा था ऐसे। बस अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि मेरी आंखों से आगे से वो गायब हो गया और मैं दम दबा के वहां से भाग गया। उसके बाद मैंने जंगल कभी नहीं गया। मैं हूँ रियाज खान अजाबी, मयून साहब का दोस्त। Thank you.
ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਣਾ।